हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई पैरेट फिश या फिर शेवरम फिश या फिर कोई भी फिश, किसी को भी अगर व्हाइट स्पॉट डिजीज हो जाता है तो उसको आप लोग ट्रीटमेंट को कैसे कर सकते हैं। ये जो डिजीज होता है ये बहुत ज्यादा डेडली डिजीज नहीं होता है, लेकिन ये डिजीज को हम लोग डेडली बना देते हैं इसका ट्रीटमेंट को देर से करके। इसका ट्रीटमेंट हम लोग जितना जल्दी अपने एक्वेरियम में करेंगे उतना ही चांसेस होता है कि आपकी जो फिशेज है वो सर्वाइव कर जाए। लेकिन वही अगर हम लोग ये डिजीज को जल्दी क्योर नहीं करेंगे तो फिर आपके फिशेज को बचाना जो होता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ ही साथ फिशेज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है उतना दिन में। इसलिए ये ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द करना है। सो फ्रेंड्स, ये एक जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई चीज में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो मेरा रिप्लाई है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डिजीज का ट्रीटमेंट बताने से पहले ये डिजीज एक्चुअल में होता क्यों है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजीज जैसे कि व्हाइट स्पॉट हो गया, ब्लैक स्पॉट, या फिर बहुत सारा फंगस लग जाता है फिशेस को, या फिर फिन रॉट जैसा डिजीज, इस टाइप का जो डिजीज होता है ये बस इसलिए होता है अगर आपका पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपका पानी ठंडा रहेगा तो इस टाइप का डिजीज आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर आपका टैंक बहुत ज्यादा गंदा रहता है तो इसमें भी आप लोगों को फिशेस को व्हाइट स्पॉट या फिर फिन रॉट जैसा डिजीज हो सकता है। बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग अपनी फिशेस को ओवर फीड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारा अनईटेन फूड्स जो है वो आपके टैंक में स्विम करते रहता है, और ये फिर क्या होता है ये धीरे धीरे रॉट करना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो लेफ्ट ओवर फूड्स वगैरह है उसमें फंगस वगैरह लग जाता है, और ये सब फिर बाद में फिशेस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए अवॉइड कीजिए ओवर फीड करने का। सो फिर इस डिजीज को क्योर करने के लिए आप इसको 3 स्टेजेस में कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज, आपको अपना एक्वेरियम का जो हीटर है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर देना है, और उसके बाद उसको ऑन रखना है। ये आपको 1 वीक तक करना है। अगर 1 वीक बाद आप लोग देखते हैं कि आपका जो फिशेस का व्हाइट स्पॉट डिजीज है वो खत्म हो गया है तब तो गुड इनफ, और अगर आपका ये व्हाइट स्पॉट डिजीज 1 वीक में खत्म नहीं हुआ तब आपको स्टेज 2 में जाना है। मैक्सिमम केसेस में आप सिर्फ अगर टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो इससे ही आपको व्हाइट स्पॉट डिजीज जो वो क्योर हो जाता है, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर हाई करने से व्हाइट स्पॉट डिजीज जो वो क्योर नहीं हो रहा है तब आपको रॉक सॉल्ट अपने एक्वेरियम में डालना होगा। और अब बात आता है कि कितना रॉक सॉल्ट को हम लोग एक्वेरियम में यूज करना है। एवरी 10 लीटर वाटर में आपको 20 ग्राम ऑफ रॉक सॉल्ट डालना होगा। सो फ्रेंड्स, अब बात आता है कि हम लोग ये 20 ग्राम को मेजर कैसे करेंगे। सॉल्ट का मेजरमेंट के लिए कुछ इस टाइप का बहुत सारा कप्स आता है, आप इसके हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। और मेरा जो आप ये कप देख रहे हैं ये 20 ग्राम का है, और अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप स्पून्स का भी यूज कर सकते हैं। आप ये जो एक टीस्पून देख रहे हैं ये मैक्सिमम 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट को कैरी कर सकता है, और ये जो टेबल स्पून देख रहे हैं ये मैक्सिमम 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को कैरी कर सकता है। तो आप इससे भी हेल्प लेके सॉल्ट का मेजरमेंट को कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रॉक सॉल्ट को यूज करना है। आप यहाँ पर कोई पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट या फिर खाने वाला जो सॉल्ट आता है उस सब सॉल्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप का सॉल्ट में बहुत मात्रा में आयोडीन होता है जो कि फिशेस के लिए बहुत ज्यादा डेडली होता है। इसलिए हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट जो होता है उसका यूज नहीं करना है। उसके साथ ही साथ खाने वाला भी सॉल्ट जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो सॉल्ट का भी यूज नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रॉक सॉल्ट या फिर खारा नमक का इस्तेमाल करना है। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपको फिर 1 वीक का वेट करना है। अगर 1 वीक के बाद आपके फिशेस का जो व्हाइट स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट वगैरह जो भी है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है तब आपको 10% वाटर चेंज करना है, और उसके जगह में फ्रेश वाटर को ऐड करना है, और आपको रेगुलरली 7 to 10 days के अंदर में वाटर चेंज करते रहना है, जिससे कि पानी में जो सॉल्ट का क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। और फिश का सही हो जाने के बाद आपको सिर्फ 10% ही वाटर चेंज करना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो जो व्हाइट स्पॉट डिजीज है वो अभी भी आपके टैंक में हो। इसलिए आपको बस 7 to 10 days के अंदर में ही वाटर चेंज करना है। और अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपका फिशेस का जो व्हाइट स्पॉट या फिर कोई भी डिजीज है वो खत्म नहीं होता है तब आप लोग ये स्टेज 3 को कीजिए। और स्टेज 3 में
आपकी जो भी फिशेज बहुत गंदी तरीके से इन्फेक्टेड है, जैसे कि आप अभी मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको अपना ऐसा फिशेज को बहुत ही कंसेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर में डिप करना होगा। और इसको आप कैसे करना है, आपको 1 लीटर का कोई भी बकेट वगैरह ले लेना है और उसके बाद फिर उसमें 20 ग्राम्स ऑफ रॉक सॉल्ट को ऐड करना है। उसके बाद आपको अपने एक्वेरियम से फिशेज, जो भी इन्फेक्टेड फिशेज है, उस सबको कैच करना है और उसको उस 1 लीटर पानी में 3 to 4 सेकेंड से उसमें डिप करके रखना है। और ज्यादा देर तक इसमें डिप नहीं रखना है, 3 to 4 सेकेंड्स के बाद उसको आपको वापस बाहर निकाल लेना है और उसको फिर आपको अपने एक्वेरियम में रिलीज कर देना है। इस टॉपिक से मेरा एक वीडियो पहले भी है जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ में बात किया हूँ, तो वो वीडियो को आप लोग जरूर से देखिएगा। वो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट है ये मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और अपनी हर फिशेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। सारी ही फिशेज को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। वो अगर आपकी गोल्ड फिश भी क्यों नहीं हो गई, उसको भी आप ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये मैक्सिमम 2 टाइम्स में फिशेज जो है तो वो क्योर हो जाती है, थर्ड टाइम का आपको ऐसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैं जितना भी बताया हूँ थर्ड स्टेज तक, ये सारे ही स्टेजेस को अगर आप अपने फिशेज के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे ही स्टेजेस तक आपका जो हीटर है वो ऑन रहना चाहिए। हीटर को आपको इस पीरियड में ऑफ नहीं करना। पानी गर्म रहेगा तो फिशेस को क्योर होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। उसके साथ ही साथ सॉल्ट का काम ये रहता है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह उनके बॉडी में लगा है वो सबको डिहाइड्रेट कर देना। मतलब कि वो सारा इन्फेक्शन से वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है और वो सब इन्फेक्शन को वीक कर देती है। उसके बाद वो सब इन्फेक्शन जो भी फिशेज में आपका है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और वो उसके बाद फिर फिशेस का बॉडी जो है वो छोड़ देता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको जो मेरा रिप्लाई है वो इंस्टेंटली मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और इसी टाइप का वीडियो भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर फ्यूचर में वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।